नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। आज का विषय है कैसा जाएगा 15 से लेके 21 तारीख के बीच का समय मिथुन राशि वालों के लिए। क्या कहती है भविष्यवाणी, क्या कहता है यह सप्ताह आपके लिए दिसंबर माह का 2018 का तीसरा सप्ताह। हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला वक्त कैसा हो हमें पता चल जाए। हम चाहते हैं कि हम समय से पहले यह जान लें कि हमें आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को जीना है। और एकमात्र ज्योतिष का ज्ञान ही वह ज्ञान है इस विश्व में जो हमें आगे आने वाले दिनों की और बीते दिनों की सटीक जानकारी दे सकता है। साप्ताहिक राशिफल की श्रृंखला में मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन हाजिर हूं 15 से लेके 21 दिसंबर का मिथुन राशि का राशिफल लेकर आपके समक्ष और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ छुपा है आपके लिए इस सप्ताह में। आप सभी मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए इस सप्ताह में सबसे पहले हम जानेंगे आपके राशिफल को, भविष्यवाणी को, उसके बाद हम जानेंगे उपाय को कि कौन सा ऐसा उपाय है जो शुभ दिनों में करें तो और शुभ हो जाएगा आपका काम, और अशुभ दिनों में कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे अशुभ परिणामों में कमी आ सके। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी वाले निशान को अवश्य दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। तो शुभारंभ करते हैं 15 तारीख से। मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए 15 तारीख का दिन शुभ रहेगा। आपको आज भाग्य और भाग्य की मदद से धन कमाने के अनेक नए पुराने अवसर मिलेंगे। आज के दिनों में आप भाग्य निर्माता बने, कर्मशील बने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका ना छोड़ें और मौके किस्मत आपको देगी भी। आज आप यदि सही मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य उदय हो सकता है। शारीरिक तौर पर आप हष्टपुष्ट स्वस्थ रहेंगे, धर्म के मार्ग से जुड़ेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे। आज आप न्यायप्रिय महिला व पुरुष होंगे, आज आप सम्मानित होंगे, आज आपका मूड व दिल दोनों प्रसन्न रहेगा, दिमाग में चली आ रही चिंताएं समाप्त होंगी, जीवन साथी के साथ नोक झोंक व प्यार भरा दिन आप बिताएंगे। आज आप पारिवारिक मामलों के लिए दिन बेहतर रहेगा, विदेश यात्रा के अनेक अवसर या कोई ना कोई योजनाएं आप बना सकते हैं। बच्चे भी, बच्चे हों या बड़े हों, कर्म को प्रधानता देंगे। बड़ों का काम है मेहनत करके पैसा कमाना और बच्चों का काम है शिक्षा ग्रहण करना और उससे लाभ उठाना। दोनों लोग अपना काम बखूबी निभाएंगे। शिक्षा, नौकरी, व्यापार में आप सभी लोग सफलता प्राप्त करेंगे। आज का दिन बेहतर है, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, व्यापार में धन लगाएं, धन कमाए वाली आपके लिए पोजीशन रहेगी और आज आप बहुत बढ़िया धन कमा भी पाएंगे। अब बात करते हैं 16 और 17 तारीख की। यह समय भी आपके लिए शुभ है। आपको इस समय में उतना ही काम करना चाहिए जितना समय पर आप निपटा सके, नहीं तो आप काम के दबाव में आकर अपने लिए मानसिक चिंताएं बढ़ा लेंगे और बेवजह परेशान रहेंगे। आज आप सफल व सम्मानित महिला पुरुष होंगे। आज के दिन आप सभी के हित में काम करेंगे, आज आप सभी के लिए अच्छा सोचेंगे और करेंगे। नौकरी व्यापार में आपके काम की लोकप्रियता बढ़ेगी। आज के दिन सबसे बढ़िया यह रहेगा कि आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे व संतोषी रहेंगे। माता जी के साथ आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। आज आप अपने साथ काम करने वाली या आसपास की स्त्रियों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे और आज के दिन में स्त्रियां आपके लिए बहुत सारे अवसर लेके आएंगी तरक्की के। आज आपके बच्चे आपको मान सम्मान दिलाएंगे। आज नौकरी हो या व्यापार, आपकी सोच का दायरा बहुत बड़ा होगा। आज आप खुले व स्वतंत्र विचारों से आज के दिन को जिएंगे और बेहतरीन लाभ उठा पाएंगे। सरकारी पदों पर बैठे लोगों को भी लाभ होगा। वैवाहिक जीवन भी उत्तम रहेगा। विदेश से व्यापार की भी बढ़िया संभावनाएं बनेंगी। आपकी सेहत में सुधार होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। आप आज के दिन में लाभ उठाने के लिए कमर कस लें। आज आप बीच बीच में आलसी या काम ना करने के बहानों को ढूंढेंगे, लेकिन आपको इससे बचना होगा और इस बुरी आदत की वजह से आप थोड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। आज आप भूमि, वाहन, नया व्यापार लगाने की सोच रहे हैं तो यह सोच हकीकत में बदल सकती है। बड़ों का प्यार मिलेगा और सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, तो दिन बेहतर है। अब बात करते हैं 18 और 19 तारीख की।
आज आप प्रसन्न व अच्छे मूड के रहेंगे और अच्छे मूड से ही दिन की शुभारंभ करेंगे। आज आपकी गिनती उन लोगों में होगी जो लोग सफल होते हैं। आज आप विदेश हो या घर हो, हर जगह पर बहुत बढ़िया काम करेंगे और आज आप घर से दूर जाकर विदेश में अच्छा नाम रोशन करेंगे या वहां जाकर अपना व्यापार सेट कर लेंगे। आज नौकरी व्यापार के माध्यम से पर्याप्त धन आप कमा पाएंगे। प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी पक्ष से आप जुड़े हो या व्यापार करते हैं तो आज की स्थिति लाभ की रहेगी। आज भाइयों का सहयोग मिलेगा, आप ईमानदार रहेंगे। आज के दिन आपको संतान से सुख मिलेगा। आज के दिन आप अच्छे राजनीतिज्ञ और सरकार के माध्यम से बढ़िया लाभ कमाने वाले सफल महिला या पुरुष होंगे। आज आप सभी के बीच आसानी से घुल मिल जाएंगे और आप लोगों के बीच से अपना काम बड़ी आसानी से निकलवा भी पाएंगे। नौकरी से अधिक व्यापार और व्यापारिक योजनाओं में फायदा होगा। जीवन साथी से लाभ मिलेगा, छात्रों को बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन उत्तम रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं। पुराना दिया या फंसा पैसा भी आपको आसानी से मिल जाएगा, क्रोध ना करें। अब बात करते हैं 20 और 21 तारीख की। 20 और 21 तारीख आपके लिए कुछ शुभ परिणाम लेकर नहीं आ रही है। यह दो दिन आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे। आप एकांत प्रिय होंगे, चिंता में रहेंगे और चिंता भी आपको किस बात की रहेगी, अपनी गलतियों को सुधारने की। अब बात करते हैं 20 और 21 तारीख की। यह दो दिन आपके लिए शुभ नहीं रहेंगे। आप एकांत प्रिय रहेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, पेट व आंख संबंधी रोग हो सकते हैं। आप आलसी व चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे, शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है, धन निवेश करने से हानि होगी, नौकरी व्यापार व सरकारी पक्ष से लाभ नहीं कमा पाएंगे, वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, मित्रों से झगड़ा हो सकता है, प्रेम संबंधों में तनातनी हो सकती है, लेकिन विदेश से व्यापार करने के लिए नए रास्ते बनेंगे। सेहत भी खराब रह सकती है, आपको कई प्रकार के प्रतिबंधों का अपने ऊपर सामना करना पड़ सकता है। आज आप आलसी रहेंगे और दिल से कमजोर रहेंगे, इस वजह से कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाएंगे। तो आज के दिनों में आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि आप कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा जाएगा, मैंने हर पहलू पे आपको विस्तार से बताया और आप समझ गए होंगे कि आपको यह सप्ताह कैसे प्लान करना है। अब बात करते हैं उपाय की, किस उपाय से आप शुभ दिनों को और अच्छा बना पाएंगे। तो पहले शुभ दिनों को अच्छा बनाने के जो उपाय हैं, इस दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है और गरीबों को यथा संभव कुछ ना कुछ दान देना है। छोटी कन्याओं को आप भोजन इत्यादि करा सकते हैं, उनकी जरूरत का सामान उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं, इससे आपके दिन में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं अशुभ दिन की, यानी 20 और 21 तारीख के दिन में आपको क्या करना है। आज के दिन आपको हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना है, सुबह और शाम पाठ करना है और यदि हो सके तो चावल का दान करना है और शाम के समय दूध का सेवन नहीं करना है और घर में किसी भी प्रकार का खोया इत्यादि नहीं बनाना है। और महा उपाय मैं आपको बताता हूं, इस उपाय को आप अच्छे दिनों में भी कर सकते हैं, बुरे दिनों में भी कर सकते हैं, ताकि अच्छे दिनों में आपको और शुभ परिणाम मिले, बुरे दिनों में आपके सभी कष्टों का नाश हो। आपको अपने सर के ऊपर से एक मुट्ठी चावल को घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाकर मछलियों को खिलाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इस पूरे सप्ताह ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से परेशानियों से बच जाएंगे। आप सभी मिथुन राशि वालों का दिन अच्छा जाए। हरिओम, नमस्कार।